हम जप कर रहे हैं तो जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए कि आप उसे देख ही नहीं पाए। अब हम बोल रहे हैं राधा राधा, रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, राधा राधा राधा। आप देखना रोमांच होने लगेगा, आपको रोना आने लगेगा, थोड़ा टिके भाग जाएगा मन। अब राधा राधा जी व्या बोल रहे लेकिन मन नहीं पकड़ रहा, अच्छा है उसमें भी मंगल होगा, घबराना नहीं है। पर इसको वश में करने के लिए है ये जो उपाय बताया जा रहा है, नाम को लंबा खींचिए। इसमें लिखा हुआ है यद्यपि आपकी संख्या कम होगी पर लाभ बहुत अधिक होगा। जैसा प्रायः चर्चा में कहा जाता है कि नाम को मंत्र को देख के जपिए। सामने लिखा हुआ मंत्र, एक एक अक्षर मात्रा, आंख खुली है या आंख बंद है हम उसका दर्शन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। और दूसरी बात, बिना सुने उस नाम को, अगले नाम को उच्चारण मत कीजिए, पहले देखिए और फिर सुनिए। ये नाम जब आपके मन को बस, यद्यपि मन नहीं लगेगा, पहली बात भागेगा, ऐसे मन तो स्वीकार कर लेगा जपना। माला कितनी गुड़िया आगे निकल गई वो पता नहीं, नाम से कितनी खाली चली, किसी किसी का तो ऐसा माला चल, ऐसे 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 माला, तो हमें लगता है माला से भगवत प्राप्ति होगी क्या, जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब वो गुड़िया सकेलती चली जा रही है, 15 मिनट में 10 माला। हमें ऐसे जप की तरफ नहीं बढ़ना, अगर हम 15 मिनट में 1 माला जप पाए तो बहुत बढ़िया होगा। पर 1 माला का 1 नाम भी, 1 मंत्र भी बिना देखे बिना सुने नहीं गया, आप देखना इसका लाभ। इसमें मन टिकेगा नहीं, भगाएगा आपको, पर आप बार बार प्रयास, इसी का नाम अभ्यास है, जो भगवान कह रहे अभ्यासेन, अभ्यास इसी को कहते हैं। एक बार आप अभ्यास में उतरिए, फिर ये अभ्यास ऐसा हो जाता है कि जैसे बहुत शोरगुल है तो हम जप नहीं रहे, हमारे सामने वो नाम विराजमान है, आपने नाम को पकड़ा, नाम ने आपको पकड़ लिया, और सामने ही नहीं, जिधर भावना करो उधर नाम विराजमान, छाती में देखो तो नाम विराजमान, आज्ञा चक्र पे देखो तो नाम, बाहर दृष्टि गई तो नाम, किसी से बात कर रहे हो तो मुख में नाम विराजमान, जिधर दृष्टि जा रही नाम ही नाम, नाम ही नाम, अरे चमत्कार प्रकट हो जाता है। ये केवल कहने की बात है, अब अभ्यास में तो लाइए, पर आएगा ये इसी राधा राधा राधा। हमको कोई संख्या से मतलब है क्या? ये संख्या नवीन साधक को इसलिए कही जाती है, जो महापुरुष जन कहते हैं कि वैसे ही मन नहीं लगता प्रमादी होता है, तो कम से कम 16 माला तो तुम नियम ले लो, 21 माला ले लो, इतना ले लो। ये नियम इसलिए कि आपका अभ्यास बने। पर खास जोरदार बात जो मन को वश में करने की है वो गिनती से नहीं है, मन गिनती से वश में नहीं होता, समय काटता रहता, माला पूरा हुआ रख दिया और बस प्रपंच में घूमता रहता है। और आप देखो कह के राधा, ऐसे अंदर राधा, जितना लंबा खींचोगे मन को भागने का अवसर नहीं मिलेगा, देख लेना, यह अनुभव की बात कह रहा हूं। पर ये चाहेगा ऐसे ही, अब ये और चिंतन कर रहा है, और जगह भटक रहा है, माला रफ्तार से चल रहा है, किसी से बात भी कर रहे हैं, फोन भी चल रहा है, नाम कैसे चल रहा है पता नहीं। नाम मन को वश में निश्चित कर देता है।